पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड राज्य का पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है और यहाँ ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन ही है, जिससे इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका चलती है। लंबे समय से शहर में दूध की आपूर्ति कर रहे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिस पर अमल करते हुए पिथौरागढ़ दुग्ध सहकारी संघ ने अब किसानों को राहत देते हुए उनके प्रति किलो उत्पादन में 2 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। अब 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से किसानों से दूध खरीदा जाएगा। पिथौरागढ़ दुग्ध सहकारिता संघ के प्रबंधक राजेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पहले भी रेट बढ़ाया गया था, लेकिन इससे किसानों को लागत ज्यादा होने से उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, जिसे देखते हुए फिर से कीमतें बढ़ाई गई हैं। साथ ही जनता को अभी उसी मूल्य पर बिक्री करने के साथ विभाग द्वारा किसानों को भुगतान करने की बात भी प्रबंधक ने कही है। अभी हमने अभी लेटेस्ट 1 अक्टूबर से अपने किसानों के लिए 2 रुपये रेट की वृद्धि की है। अब जो है जो दूध खरीदा जाएगा हमारा जो है 2 रुपये वृद्धि के साथ खरीदेंगे। अभी इससे पहले भी हमने अप्रैल में 1 अप्रैल से 2 रुपये रेट बढ़ाए थे, तो किसानों की लागत दूध उत्पादन में काफ़ी आ रही है। उसको देखते हुए हमारे बोर्ड के द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि भाई रेटों को इंक्रीज किया जाए, तो उसी के तहत हमने 2 रुपये किसानों का रेट बढ़ाया है, जिसमें दुग्ध संघ को लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। लेकिन हम उसको मैनेज करने के लिए अपने खर्चों में कटौती और कैसे हम मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ दे सकें। पिथौरागढ़ दुग्ध सहकारिता समिति से जिले के 4500 से अधिक किसान जुड़े हैं, जो रोज 7500 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं और रोजाना 6500 लीटर दूध की शहरी इलाकों में आंचल के नाम से सप्लाई किया जाता है। किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से विभाग द्वारा ही उनका दूध वाहनों से पिथौरागढ़ लाया जाता है। दूध उत्पादन से जुड़े किसान दूध के उचित मूल्य मिलने से काफी खुश हैं। दुग्ध उत्पादन से जुड़े युवा किसान रवि बताते हैं कि दूध का खरीद मूल्य बढ़ने से उन्हें उनकी मेहनत का सही फल मिल सकेगा। अभी दुग्ध संघ के द्वारा हमारे अप्रैल में पहले रेट बढ़ाए गए थे, तो गांव से हमें दूध पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए दुग्ध संघ की सारी गाड़ियां वहीं गांव हर गांव में हमारे गांव में भी आती है, वहां से कलेक्ट करती है। अप्रैल के बाद अक्टूबर में दोबारा रेट बढ़ाए गए हैं, उससे हमारे लिए काफ़ी सुविधाएँ हुई हैं। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।